देखें सूचना पल पल के साथ खास समाचार। एएसआई चढ़ा विजिलेंस के हत्थे, 6 जुआरी गिरफ्तार, आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी सहित अनेक समाचार। मैं पत्रकार सुरेश सोलंकी भट्टुकला से आपके लिए पेश कर रहा हूं खास रिपोर्ट। भट्टुकला में 4,000 की रिश्वत लेते एएसआई को विजिलेंस ने किया गिरफ्तार। विजिलेंस विभाग की टीम ने सोमवार को भट्टुकला थाना में तैनात एएसआई जीतराम को 4,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस ने एएसआई जीतराम के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सहदेव निवासी गांव बनमंदोरी की ओर कार से पिछले दिनों एक बाइक की टक्कर लग गई थी और बाइक चालक की मौत हो गई थी। सहदेव को अपनी कार की सुपरदारी करवानी थी। इस मामले में आईओ जीतराम है और उसे सुपरदारी की रिपोर्ट करनी थी। सहदेव ने विजिलेंस को शिकायत देकर बताया कि सुपरदारी की रिपोर्ट की एवज में जीतराम उससे 7,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा है। उसने पहले जीतराम को 4,000 रुपए देने की बात कही। सोमवार को विजिलेंस के डीएसपी राकेश कुमार के नेतृत्व में टीम भट्टुकला पहुंच गई और सहदेव को केमिकल लगे 2,000 के नोट पकड़ा दिए। जैसे ही सहदेव ने एसआई को नोट पकड़वाए, टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई करके उसे रंगे हाथों रिश्वत लेते काबू कर लिया। गांव मेरुवाला के आंगनवाड़ी केंद्र से अज्ञात चोरों ने चुराया इन्वर्टर, पुलिस ने किया मामला दर्ज। गांव मेरुवाला के आंगनवाड़ी केंद्र से इन्वर्टर चोरी होने को लेकर भट्टुकला पुलिस को रविवार को शिकायत दी गई। शिकायत में आंगनवाड़ी हेल्पर माया देवी ने बताया कि अभी आंगनवाड़ी में छुट्टी होने के चलते उसने 4 जुलाई को सुबह आंगनवाड़ी सेंटर को चेक किया तो यहाँ कैमरे व गेट का ताला टूटा हुआ मिला। वहीं इसमें रखा गया इन्वर्टर गायब मिला। उसने आरोप लगाया कि कोई अज्ञात चोर इन्वर्टर चुरा ले गया, जिस पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 380-457 के तहत अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गांव भट्टुकला के खेतों में जुआ खेलते 6 गिरफ्तार, पुलिस ने 31,850 रुपए जुआ राशि की बरामद। गांव भट्टुकला के खेतों में रविवार को पुलिस ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। मौके पर पुलिस ने जुआ खेलते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोमवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया कि इसमें एक आरोपी फरार हो गया। इन आरोपियों में पुलिस ने 31,850 रुपए जुआ राशि बरामद की है। सोमवार को पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ लोग जयप्रकाश निवासी भट्टुकला के खेत में जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मुखबरी के आधार पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें सुनील कुमार निवासी किशनगढ़, रामचंद्र निवासी बिरान, धर्मपाल निवासी सिरढ़ाण, संदीप कुमार निवासी दड़ोली, सलामुद्दीन निवासी चारवाड़ा, सुनील निवासी ठुइया को जुआ खेलने के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं जुआ खिलाने के आरोपी भट्टुकला निवासी जयप्रकाश फरार हो गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। टीकाकरण को जन जन तक पहुंचाने में भट्टुक कॉलेज का अहम योगदान, थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चुग ने कहा। राजकीय महाविद्यालय भट्टुकला में सोमवार को तीसरी कोविड-19 वैक्सीन मेगा कैंप का आयोजन किया गया। इस मेगा कैंप में थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश चुग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने उपस्थित व्यक्तियों को संबोधित करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है और वैक्सीन के बारे में जनता को किसी भी तरह की भ्रांतियों को त्याग कर वैक्सीन लगवाने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए। कार्यक्रम में प्रताप सिंह साई, पूर्व सरपंच भट्टुकला, डॉक्टर सुजाता बंसल, एसएमओ भट्टू विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। महाविद्यालय प्राचार्य लेफ्टिनेंट दिनेश कुमार ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। महाविद्यालय में सोमवार को आयोजित किए गए तीसरे टीकाकरण शिविर में 400 से ज्यादा नागरिकों ने वैक्सीनेशन की डोज लगवाई। इस मौके पर महाविद्यालय के वैक्सीन कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर दर्शन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष सिहाग, राजेंद्र सेवदा, डॉक्टर राजाराम, विक्रांत मोहन, राजेश कुमार, सीताराम, अमित कुमार, विजय कुमार, ज्योति झाजड़ा, दीपक सिहाग, दिलसुख, अनिल सहरावत, मदनलाल, डॉक्टर कीर्ति चौधरी, अनिल शर्मा, हरीश कुमार सहित अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद थे। भट्टुकला में क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्र समिति सदस्य ब्रह्मानंद गोयल ने कहा, 9 जुलाई को होगी रेलवे की बैठक आयोजित। भट्टुकला में उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर के क्षेत्रीय रेल उपभोक्ता परामर्शदात्र समिति सदस्य ब्रह्मानंद गोयल ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई को जयपुर जोन की रेलवे की बैठक ऑनलाइन आयोजित होगी, जिसमें जीएम, डीआरएम सहित अनेक अधिकारी इस बैठक में भाग लेंगे।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आयोजित होने वाली इस बैठक में वे अक्षतर की रेलवे से जुड़ी हुई समस्याओं को पूरे जोर शोर से उठाएंगे। उन्होंने बताया कि वहीं कुछ और गाड़ियों के आवागमन को सिरसा तक बढ़ाने की मांग करेंगे। रेलवे लाइन के साथ भट्टुकला में रेलवे रोड के जर्जर हालात की समस्या को पूरे जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरतला एक्सप्रेस गाड़ी जो कि सिरसा कालांवाली बठिंडा की ओर चलेगी, इसके भट्टुकला में ठहराव को लेकर वे मांग करेंगे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत हुए क्या कहा, सुने उन्हीं की जुबानी। मैं परमानंद गोयल, जन आदिशन मेंबर, जयपुर। 9 तारीख को हमारी जयपुर मीटिंग जन आदिशन की बुलाई, जीएम डीआरएम साहब उनके सारे स्टाफ के आदमी होंगे। तो हमारी पहले समस्या है जो गोरखपुर धाम इस हाथ तक चलती है, मैंने सस्ता के लिए उनकी एक मांग रखी है। दूसरी समस्या हमारी जयपुर की ट्रेन हिसार से चलती है, वो उसको भी हमने सस्ता के लिए मैंने मांग पूरे जोर शोर से रखी है। एक जो हिसार से कोटा के लिए ट्रेन चलती है उसको भी मैंने सस्ता के लिए मांग की है। एक अभी ट्रेन फिरोजपुर से होते हुए अगरतला के लिए चलेगी, उसका ट्रेन का रुकाव कालाली सरसा और आतू पर रखा है। मैंने भट्टू के लिए उसका ट्रैक के लिए भी बड़े जोर से मांग की है, क्योंकि यह ट्रेन हमें बहुत दूर तक लोगों को फायदा होगा, हमारे भट्टू हल्के को भी। और दो समस्या हमारे भट्टू हल्के की भी है। एक 122 फाटक है जो सड़क रेलवे की तरफ जाती है, पूरी टूटी हुई है, ये रेलवे की ही रोड है। ये भी मांग मैं मीटिंग में पूरे जोर शोर से रखूंगा। एक रेलवे की बैक साइड में सिविल हॉस्पिटल के सामने ये एक जमीन पूरी गंदगी के ढेर और खड्डे पानी खड़ा हो जाता है, या रात के टाइम ट्रेन आती है तो यात्रियों को बड़ी परेशानी होती है। तो यहाँ मैं एक पार्क के लिए उनसे मांग रखूंगा, ताकि हमारी समस्या भट्टू हल्के के लिए रेलवे की मेरे जनरल मेंबर होते कोई समस्या नहीं रहने दूंगा। पहले भी मैंने प्लेटफार्म की समस्या, अंडरपास की समस्या मैंने डीआरएम से कराई है, उम्मीद है कि यह समस्या